Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy. Today we are going to discuss about the very important development. Last year in 2023, December end में और this year, July 1st से आप लोगों ने ये news बहुत सुनी होगी that the criminal laws has been revised, the criminal laws has been changed and the new names, new laws are in place. बहुत सारे नए नए amendments हुए, नई चीज़ें हुई, कुछ नई चीज़ें incorporate हुई mob lynching को लेके and ऐसे बहुत सारे procedures भी add हुए हैं. So you must have come across this particular news. Right? So the changes in the criminal laws amendments, how they were interpreted by UPSC for the prelims exam, that we will see with the help of a question and we will understand and we will develop the perspective ki UPSC kaise aise current affairs ki cheezon ko track karta hai and how we have to get ready for the future. So criminal laws changes or the recent amendments, how it has been asked by UPSC, we will understand. So this was the question which was asked by UPSC in the recent exam, that is CDS exam conducted on the 1st September 2024, right? And the question is again very basic question of polity. अगर क्वेश्चन के आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट इसका जो इंस्पिरेशन है फ्रॉम वेयर एंड व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द रीसेंट चेंजेस एंड द अमेंडमेंट्स द रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉज. क्या है पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लिस्ट के ऊपर है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ कहां पे है. They have given a second statement. The Code of Civil Procedure falls under the concurrent list of the Constitution of India. Select one, two, both one or two, neither one. अब इस A, B, C, D तक पहुंचने की जो जर्नी होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी बिकॉज वी हैव रेड ओनली अबाउट द रिवाइज्ड लॉज, बट वो किस लिस्ट में आता है, कहां उसके जो बेसिक्स हैं, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा वी वुड हैव कवर्ड, अदरवाइज वी विल स्ट्रगल. आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड हैव कम अक्रॉस दीज हेडलाइंस, रिवाइज क्रिमिनल लॉ बिल्स, की चेंजेस एक्सप्लेन, कर्टन्स ऑन द ओल्ड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस लॉ, न्यू क्रिमिनल कोड्स कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम टूडे वेन इट इज देयर, देन इट इज 1st July 2024. सो इंस्पिरेशन करंट अफेयर्स की यहाँ से है. सो हियर टू इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव आई वॉन्ट टू गिव. फर्स्ट इज वेन एवर यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, if you are reading like this, dig deeper and relate it with the static portion and relate it with any previous year question you are coming across. So this way you will get ready for that particular topic. Definitely this is very very important for mains, but prelims pe aise questions ban sakte hain. This is one very important perspective, how to link current affairs with static portion. And second, it gives us a perspective that how UPSC is asking questions. कहीं भी करंट अफेयर्स वर्ड मेंशन नहीं है, बट वी नो दैट इंस्पिरेशन इज फ्रॉम दिस. सो इट गिव्स अस अ स्नीक पीक इन यूपीएससीज माइंडसेट कि कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस बेसिक होते हैं बट उसको डिफिकल्ट और टफ बनाया जा सकता है बिकॉज वी विल नॉट रिवाइज ऑन दोज लाइंस. सो फॉर यूपीएससी इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, फॉर अस इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव नॉट रिवाइज इन दैट डेप्थ. So these three laws has been revised, उनका नाम चेंज हुआ है और बहुत सारे अंदर भी चेंजेस लाए गए हैं. The Indian Penal Code IPC 1860, the Code of Criminal Procedure CRPC, the Code of Criminal Procedure, क्वेश्चन में सिविल प्रोसीजर पूछा था, that is 1973, and the Indian Evidence Act 1872. तो ये हमें पता होना चाहिए. सो ये जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आए हैं, न्यू नेम्स क्या हैं, उनको भी एक ब्रीफली देखते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट दोज चेंजेस, बट ब्रीफली जो नेम चेंज हुआ है वो देख लेते हैं. सो दीज थ्री लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA. ठीक है, तो आपको ये रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए कि क्या रिप्लेसमेंट हुआ है, और जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इन डेप्थ प्रिपेयर करेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज क्या न्यू चेंजेस आए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, स्टेट्स का क्या ऑब्जेक्शन है. दिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन आवर टेस्ट सीरीज जो हमारे मेंस के स्टूडेंट हैं लिखे हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको इन लाइंस पे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको ये एनालिसिस डेवलप करनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो कवर द बेसिक्स कि जब हम ये सारी बातें करते हैं, ये सारे लॉज एंड द चेंजेस, वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, एंड इफ वी हैव दैट स्केलेटन विद अस देन वी विल रिमेंबर इट बेटर वे एंड वी विल बी एबल टू कोरिलेट एंड लिंक. सो एज पार्ट ऑफ दैट स्केलेटन वी हैव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वी हैव पुलिस, जुडिशरी एंड द करेक्शनल सिस्टम. ये क्या है ये आप सभी को पता है, बट उसके अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स टेक्निकलिटीज हैं अगर हमें पता रहेगा देन द होल स्केलेटन विल बी कंप्लीट.
police are the first point of contact for those affected by crime, and they are responsible for collecting evidence and apprehending the criminals. The police investigate crime scenes, they collect evidence, and they interrogate these suspects. Talking about judiciary is responsible for making sure that the trials are conducted fairly and the justice is served. Judges preside over the criminal trials and they make sure that the accused are given their due rights. And if we talk about the correctional system, it is responsible for rehabilitating the offenders and make sure that they do not re-offend. राइट तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कंपोनेंट है, कहीं एविडेंस की बात आ रही है, कहीं सेशंस कोर्ट, कहीं सिविल की बात आ रही है, करेक्शनल रिहैबिलिटेशन की बात आ रही है. सो इफ दिस स्केलेटन इज रेडी, नाउ यू विल बी एबल टू फिट इन दोज थ्री लॉज की अच्छे किस किस चीज के लिए लॉ है, किस एक्शन के लिए लॉज है, कोई एविडेंस के लिए है, कोई पिनल के लिए है, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए है, सिविल प्रोसीजर के लिए, यू विल बी एबल टू रिलेट. सो दैट्स वाई दिस स्केलेटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हमने देखा, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड अगर पार्लियामेंट ने कुछ पास किया है देन यू यूज योर कॉमन सेंस, और बहुत सारे स्टेट्स का इस पे भी रोल होगा, स्टेट्स का कुछ ऑब्जेक्शन होगा, स्टेट्स के अपने लॉज होते हैं, देन क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो आप सिर्फ न्यूज से निकाल सकते हो दैट क्रिमिनल लॉज कंकरेंट लिस्ट में आता है. इफ सेंटर हैज डन समथिंग देन उसमें एक्सक्लूसिवली ये स्टेट की लिस्ट तो हो नहीं सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, सो यस दिस फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट. नाउ इससे रिलेटेड जैसा हमने स्केलेटन देखा, उस स्केलेटन के कुछ कुछ और कॉम्पोनेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ आते हैं, देन आई विल टेल यू द आंसर. हाउएवर नाउ यू नो द आंसर. सो एज पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वी हैव सीन अबाउट पुलिस. सो हियर द पुलिस एंड द प्रिजंस दे फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट. And if we talk about other aspects like criminal law or criminal procedure, it fall under the concurrent list. We saw the evidence comes under the concurrent list. Like this, civil procedure including all matters included in the code of civil procedure at the commencement of the constitution, limitation and arbitration, it also comes under concurrent list. And many times we come across preventive detention. Preventive detention ये word आता है. So that also comes under the concurrent list. अभी ये skeleton को आपको पता है, current affairs पता है. Now if you look at this question, it will be easy for you. So this is how you have to dig deeper. Definitely you cannot mug up the whole state list, concurrent list. याद हो जाता है बार बार पढ़ते पढ़ते, but it becomes difficult sometimes, right? तो इसका answer हमने देख लिया, criminal law concurrent list में है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टेट लिस्ट में है, नो कंकरेंट लिस्ट में है, राइट. सो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है. द आंसर इज बी, टू ओनली इज करेक्ट. बट दिस इज हाउ यू हैव टू डिग डीपर. नाउ यू लेट मी नो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कहाँ है, ये स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है. यू लेट मी नो योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट गाइज. सो लाइक दिस यू हैव टू डिग डीपर. दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर द करेंट अफेयर्स. सो थ्रू दिस question which was asked by UPSC in the exam, I have tried to teach you many aspects, revise on those lines, and when you are revising your static portion or current affairs, think on these lines, that what kind of questions can be asked by UPSC, right? See you all in the next video.